और भगवान के साथ साथ हमारे पूर्वजों की जब कृपा होती है। भागवत कथा सुनने के लिए केवल भगवत कृपा ही प्राप्त नहीं है, भगवत कृपा ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भागवत जी की कथा केवल श्रोता और परीक्षित जो बनते हैं उनके लिए ही नहीं है। भागवत की कथा जिस परिवार में संकल्प करके किया जाता है, उस भागवत की कथा में उसके 21 पीढ़ी के लोग संयुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति का ग्रंथ है, ये ऐसा दिव्य अनुष्ठान है। अपने भारतीय दर्शन और परंपरा में जहां अपने माता पिता पूर्वजों के ऋण से ऋण होने का सर्वोत्तम कोई क्रिया है तो उसका नाम भागवत कथा है। ये कोई साधारण पुस्तक, साधारण ग्रंथ, कोई इतिहास, कोई कहानी नहीं है। बड़े पवित्रतम भाव से इस कथा को श्रवण करना, और इतनी सस्ती भी नहीं है ये कथा कि हम आए बैठे कूलर की हवा लिए, ठंडा पानी पिए और चले गए। ये कथा परमहंस के मुख के द्वारा निकल रही है और सुनने वाला जो श्रोता है उसके पास मात्र 7 दिन का समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है पूरे विश्व की। अभी तक लोग जन्मते थे मर जाते थे, जन्मते थे मर जाते थे, पर पहली बार किसी महापुरुष ने, किसी परमहंस ने, किसी वक्ता ने मृत्यु को भय से निकालकर महोत्सव की ओर प्रेरित कर दिया। जिस मृत्यु का नाम सुनकर के लोग भयभीत हो जाते हैं, आप श्रवण करेंगे कि 7 दिन के बाद मृत्यु के भय से भयाक्रांत होने वाले परीक्षित की अंतिम बात है कि गुरुदेव अब हमें मृत्यु का भय दूर हो गया, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता है। भागवत की जो कथा है ये हमारी मृत्यु टाल दे ये नहीं हो सकता है। आप सब श्रोता हैं, कथा सुनते हैं, इस बात का ध्यान देना कि 7 दिन तक भागवत की कथा परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया तो क्या उनकी मृत्यु टल गई? क्यों भाई, प्रश्न है ना ये कि जब एक महात्मा जी आए और बैठकर भागवत जी की कथा सुनाए तो क्या परीक्षित की मृत्यु टल गई? मृत्यु तो तब भी हुई, तक्षक नाग ने फिर भी डसा, मृत्यु भी हुई तो फिर कथा सुनने का क्या लाभ है? कथा क्यों हुई? तो कहा बस इसी बात को समझना है कि भागवत जी की कथा मृत्यु से मुक्ति नहीं दिलाती, भागवत जी की कथा मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? मृत्यु से मुक्ति नहीं दिलाती। अरे परमात्मा भी इस धराधाम पर आता है तो उनका भी एक समय नियत है, उसके बाद परमात्मा भी अपने धाम को पधारते हैं। भागवत की कथा मृत्यु से मुक्ति दिलाने की कथा नहीं है, भागवत जी की कथा मृत्यु के दुख को, मृत्यु के भय को, मृत्यु के अवसाद को समाप्त कर दे और मृत्यु के समय चेहरे पर रुदन ना हो, गला अवरुद्ध ना हो, नेत्रों से आंसू ना निकलें, हमें तो परमात्मा से मिलन के प्रेम के आंसू छलकने लग जाएं, ये भागवत कथा का सबसे शुभारंभ है।
जब जब मृत्यु के भय से हमारे नेत्र न भीगे, नेत्र इसलिए भीगे कि हम तो परमात्मा से मिलन की बेला की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विचार यदि आ जाए तो क्या मृत्यु का भय सताएगा? मृत्यु का भय तो तब सताता है जब हम अपने पाप को याद करते हैं कि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, जीवन में सत्कर्म नहीं किया, जीवन में सत्संग नहीं किया, जीवन में संगत नहीं किया, और अब मरने की बेला आई है तो परमात्मा को कौन सा मुख दिखाएंगे। व्यक्ति मरते समय रोता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, चिल्लाता है, परिवार वालों को देखता है, बोलता कुछ नहीं, नेत्रों से आंसू बहाता है। वो आंसू इसलिए बहाता है क्योंकि वो आंसू पश्चाताप के होते हैं। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भागवत की कथा हमारे मृत्यु को महोत्सव बनाने की कथा है। और एक बात और आपसे कहें, राम कथा जीवन में भक्ति प्रदान करती है तो भागवत की कथा जीवन में मुक्ति प्रदान करती है। राम कथा यदि जीना सिखाती है तो भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। अब चिंता मत करना कि महाराज जी ने पहले दिन से मरने की बात शुरू कर दिया। शाश्वत सत्य तो वही है, जिस प्रकार आंख बंद कर लेने से सूर्य भगवान का अस्त नहीं होता, ऐसे ही हम अपना नेत्र बंद कर लें तो हम मृत्यु से बच नहीं सकते। पर चिंता नहीं करना है, सनातन धर्म पर बड़ी कृपा है संतों की, बड़ी कृपा है मनीषियों की। बस केवल उसका दर्शन करो, उसको श्रवण करो और उसको समझ जाओ तो मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं उसका नाम है श्री मद भागवत महापुराण। इसका नाम भागवत महापुराण है, इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले हम प्रवेशिका विषय प्रवेश करें, हमको पता तो चले कि हम कौन सा विषय सुनने जा रहे हैं। इसका नाम है श्री मद भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण का क्या अर्थ हुआ? पहले इसका नाम केवल था भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी ने इसकी रचना किया, वेद व्यास जी महाराज ने भगवान को श्रवण कराया तो श्री जी बगल में बैठी थी। क्या लिखा है आपने? कहा भागवत महापुराण। अच्छा, तो भागवत का अर्थ क्या होता है? वेद व्यास जी ने कहा भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को भागवत कहते हैं। तो श्री जी ने कहा कि इसमें भगवान का नाम तो है, मेरा नाम नहीं है, और बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा होता है ना। बिना श्री जी की कृपा, बिना राधा रानी की कृपा, बिना किशोरी की कृपा से क्या कोई जीव परमात्मा की शरणागति ले सकता है? नहीं ले सकता है। और कदाचित कोई ले भी ले तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम शरणागति करें कैसे। कदाचित कोई भगवान की शरणागति लेना भी चाहे तो उसको तरीका नहीं पता कि शरणागति कैसे लें। वो कैसा शरणागति लेगा जानते हो? जिस प्रकार से इंद्र के पुत्र ने भगवान की शरणागति लिया थी। जयंत लिया था ना शरणागति, मैया किशोरी के चरणों में चोंच मारा, पूरी दुनिया में भटकता रहा, किसी ने बैठने का स्थान नहीं दिया। तब एक महात्मा ने, एक साधु ने, जिसका चित्त सदा सर्वदा कोमल होता है, उसने देखा उस भागते हुए जयंत को। तो नारद जी ने कहा देख भाई, ये भागने से कुछ नहीं होगा और तुझे अपना शरण कोई देगा भी नहीं,
कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पास भागकर जयंत न गया हो। पर तुलसीदास जी कहते काहू बैठन कहा न ओही। क्यों? क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी से द्रोह कर ले फिर दुनिया में इसको कौन अपना आश्रय देगा? कोई नहीं देने वाला आश्रय। जब दुनिया आश्रय देना बंद कर ले तब केवल आश्रय देने का अधिकार किसी को है तो किसी संत को है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तब अंतिम दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम है संत। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं मैया सबरी से नवधा भक्ति का संदेश देते हुए कहा देवी मेरी वाणी एक बार के लिए झूठी हो सकती है पर यदि किसी संत और महात्मा ने कह दिया तो मोते अधिक संत कर लेखा। आज एक संत ने देखा एक महात्मा ने देखा भागता हुआ जयंत। उसको बैठने के लिए कोई नहीं कह रहा बेचारा परेशान। एक तो कौआ पक्षी में कौआ और जात में नौआ भगवान बचाए। भागता 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 परेशान हो गया और जब महात्मा नारद जी ने देखा बोला सुनो सुनो दौड़ना बंद करो। नारद देखा विकल जयंता लागि दया कोमल चित संत। देख भाई दौड़ना बंद कर दे तुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। यदि तू अपना प्राण बचाना चाहता है तो राम जी की शरण में चला जा। बड़े बाप का बेटा है राम जी की शरण में गया कभी किसी को प्रणाम किया नहीं क्योंकि इंद्र का बेटा। और बड़े बाप के बेटे प्रायः उल्लू के पट्टे ही होते हैं उनको क्या पता कि प्रणाम कैसे किया जाए। जब अपने बच्चे को संस्कार नहीं दोगे और आजकल हाय हाय और बाय बाय सिखाओगे तो क्या वो प्रणाम करना सीखेगा? राम जी की शरण में गया तो गिरना चाहिए था चित्त तो गिरा पट। दोनों हाथ करके राम जी की ओर गिरना चाहिए था तो दोनों पांव करके गिरा। मुंडी कर लिया दूसरे तरफ और पांव कर दिया राम जी की तरफ किशोरी जी की तरफ। राम जी ने देखा कहा ये देखो बड़े बाप की औलाद इंद्र का बेटा इसे प्रणाम करना भी नहीं आता। नहीं मैया तो करुणामयी है ना। तुरंत गर्दन को पकड़ा जयंत के और पकड़ करके ऐसे घुमा करके चरण राम जी के चरणों में कर दिया। तो जब तक किशोरी की कृपा नहीं होगी जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक भागवत पूरी कैसे होगी? और नाम तो इसका आपने भागवत महापुराण रखा है। तो वेद व्यास जी ने कहा उसमें क्या है हम इसका अर्थ बदल देते हैं। अभी तक भगवता प्रोक्तम है अब इसको भगवत्या प्रोक्तम कह देते हैं। भगवती के मुख से निकली हुई वाणी। मैया ने कहा नहीं नहीं काम चलाऊ काम नहीं चलेगा पूरा पूरा स्पष्ट रूप से नाम आना चाहिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने इसमें श्री शब्द जोड़ दिया और उसका नाम हो गया श्रीमद भागवत महापुराण। श्री का अर्थ है इसमें अब श्री संयुत हो गई। शक्ति के साथ शक्तिमान के साथ साथ शक्ति लग गई तो इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो श्रीमद् है ना ये दो ग्रंथों में लगा है एक श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा श्रीमद् भगवत गीता। इन्हीं दो में श्री मद का प्रयोग हुआ है। संस्कृत साहित्य में तीन शब्द बनते हैं मद मन और मज। ये तीन विशेषण बनते हैं यहां श्री मद का प्रयोग किया गया।
श्री मद लगा करके मानो इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि जो जो वाणी भगवान के मुख से निकली है उसके ऊपर मानो मुकुट लगा दिया गया है। भागवत भी भगवान के मुख से निकली है और भगवत गीता भी भगवान के मुख से निकली है। अच्छा, कुछ लोग भगवत गीता और भागवत को एक मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवत गीता और भागवत जी में अंतर है। भगवत गीता वो ग्रंथ है जब अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर मोहित हो गया, भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मोह का विनाश करने के लिए जो उपदेश किया उसको कहते हैं गीता। ऋषि के श्राप से 7 दिन में मृत्यु का शाप पाए हुए परीक्षित महाराज को जो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवत गीता और भागवत जी में अंतर है। इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले इसके महात्म की चर्चा की गई जो पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत कथा का पहले महत्व बताया गया। महत्व जानना जरूरी है कि जब तक महत्व नहीं समझोगे तब तक इससे जुड़ाव नहीं होगा। जब तक किसी वस्तु का महत्व न समझो तब तक जुड़ाव कहां होता है। घर में कोई बहुत कीमती वस्तु पड़ी हो और उससे आप अनभिज्ञ हो, लेकिन कोई जौहरी आकर के यदि आपको बता दे कि ये वस्तु बहुत बहुमूल्य है तो आपको प्रीति हो जाएगी कि नहीं। मान लो सोना निकल पड़े, मिट्टी चढ़ा हो, पता ना हो, पर कोई जौहरी बता दे कि नहीं नहीं ये तो सोने की वस्तु है तो घर भर पूरे युद्ध करोगे कि नहीं करोगे, सब लड़ पड़ोगे। अभी तक अनजान थे तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब जब उसके बारे में ज्ञान हो गया तो प्रीति हो गई। ऐसे ही भागवत महापुराण इतना दिव्य ग्रंथ है, इस दिव्य ग्रंथ की विशेषता को बताने के लिए 6 अध्याय में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन किया है।